हे दोस्तों, यहाँ पर रेडमी की तरफ से आने वाला है रेडमी फ्लैक्सी फ़ोन, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है, रेडमी K20। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने मिलेगा। साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा। कहीं पर आपको नॉच डिस्प्ले देखने मिलेगा, पूरा बेजलेस डिस्प्ले होने वाला है। इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिला है, जिसके चलते आपको फिजिकल कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात। दोस्तों, यहाँ पर रेडमी K20 के अंदर आपको ग्लास बैक मिलने वाला है, ग्लॉसी ग्रेडिंग साथ आने वाला है। यदि आप इस फ़ोन को अपने हाथ में लेते तो बहुत ही शानदार फील होता है, प्रीमियम फ़ोन फील होता है। जैसा कि आप कोई फ्लैक्सी फ़ोन या फ्लैक्सी जो महंगे स्मार्टफोन होते हैं उसे यूज किए होंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि क्या होता है फ्लैक्सी और प्रीमियम फ़ोन जो हाथ में लेने का। यहाँ पर फ्रंट पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.39 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल का डिस्प्ले, पूरा बेजल लेस है। यहाँ पर आपको कोई भी वाटर ड्रॉप या न्यू जो नॉच डिस्प्ले होता है कुछ ऐसा देखने को मिलता है, सिंपल सा यहाँ पर आपको पूरा डिस्प्ले मिलता है और बेजल लेस डिस्प्ले मिलता है। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं बैक में बात करें, रियर की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर में भी ट्रिपल कैमरा के सेटअप साथ फोन आता है, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस फोन के अंदर कि आपको जो कैमरा मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है। यहाँ पर जो पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा वो 20 मेगापिक्सल का होगा, वहीं रियर में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल का, जो बहुत ही कमाल का फोटो लेगा, वाइड एंगल कैमरा को फोटो लेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम थर्ड कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो 3x जूम सपोर्टिंग करता है, यानी 3x तक आप जूम कर सकते हैं और फोटो बहुत ही कमाल का खींच सकते हैं। तो सोचिए कितना कमाल का होने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर का आपको कैसा बैटरी मिलने वाला है, कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है इस फोन के अंदर इतने महंगे फोन के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलने वाला है 4000 mAh का बैटरी मिला है, जो क्वालकॉम क्यूब चार्ज को 4 को सपोर्ट करता है, जो बहुत ही कमाल का है। और साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm जैक मिल जाता है और NFC का सपोर्ट मिल जाता है। तो सोचिए कितना कमाल का होने वाला है। और इसी फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर आप कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा रियर में, सिंपल सा आपको यहाँ पर फ्रंट के डिस्प्ले में ही मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। जैसा कि आपसे पता है कि मैंने पहले बोला कि आपको इसके अंदर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलने वाला है किसी और फोन के मुकाबले। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर मिलने वाला है, GPU बहुत ही कमाल का होने वाला है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 5 मिलने वाला है, जो सोचे कितना कमाल का होने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि फोन कब तक इंडिया में आ सकता है। तो ये फोन इंडिया में जून तक आ सकता है और चाइना के अंदर मई में ही ये फोन देखने को मिल सकता है। तो सोचिए कितना कमाल का होने वाला है। तो जल्द ही आपको ये फोन इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो आप बताइए कि इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन, क्या रिव्यू है, वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या डिस्कस है या क्या ओपिनियन है, तो बताइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में कि इसका प्राइस कितना होने वाला है। इसका प्राइस बताया जा रहा है कि 25,000 प्राइस होने वाला है इस फोन फ्लैक्सी फोन का। तो सोचिए कितना कमाल का होने वाला है। तो आप बताइए कि ये फोन 25,000 में इंडिया में कितना चलेगा या नहीं चलेगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों भी, ताकि उन लोगों को पता चल सके और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।